नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला प्राइम टाइम का नंबर वन कार्यक्रम आर पार। गाजा के एक अस्पताल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और फिर एक जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु जो कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर चुके हैं विधानसभा चुनावों में, वो कहते हैं कि इस धमाके के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का भी हाथ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेतुका बयान है, लेकिन यकीन मानिए ये जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे होश में दिया गया एक सोचा समझा रणनीतिकार बयान है। और सवाल सिर्फ एक मौलाना का नहीं है, ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तक, महबूबा मुफ्ती से लेकर लेफ्ट की स्टूडेंट विंग तक, हर कोई गाजा के नाम पर बेचैन है, उछल कूद कर रहा है। कोई उससे रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है तो कोई गाजा वालों को यहां से हिंदुस्तान से सैल्यूट भेज रहा है। इजराइल में नरसंहार होता है तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को काट दिया जाता है, तब ये लोग आंख पर पट्टी डालकर बैठे रहते हैं और कोई चू तक नहीं करता। लेकिन जब इजराइल बदला लेने के लिए आता है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, मानवता के नाम पर तूफान खड़ा कर देते हैं, बखेड़ा बना देते हैं, मुसलमानों पर जुल्म वाला विक्टिम कार्ड भी निकाल लेते हैं। सवाल है कि क्या ये सब तुष्टीकरण वाले खेल का एक बड़ा हिस्सा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण की कहानी, रिश्ता रूहानी, आज का आर पार व्यूअर्स इसी विषय पर। हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्जा कर लेगा। कि मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जो है असम के मुख्यमंत्री, आज नमक का कारखाना बदल लिया है, लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। हमास ने इसराइल में घुसकर निर्दोष लोगों की जान ले ली, बदले में इसराइल ने गाजा को धुआं धुआं कर दिया। लेकिन सियासी हवा की दशा और दिशा भारत में बिगड़ी हुई है। हमास के नाम पर मोदी को कोसने वाली होड़ पूरी चरम सीमा पर है। भारत सरकार की भूमिका जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगेंची भूमिका ही होती पहले से मदद करे। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मूळ मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर शरद पवार पर निशाना साधा। पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस मुठभेड़ पर आंसू बहाए थे और भारतीय धरती पर आतंकी हमले होने पर सोए थे। अब तो बात यहां तक आ पहुंची है कि हमास को आतंकी संगठन मानने से भी खुलेआम इनकार किया जा रहा है। हमास आतंकी संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टेट लाउडली वंस अगेन, बिल्कुल नहीं है हमास आतंकी। क्यों क्यों क्यों? मैं क्लियर कट कह रहा हूं, हमास आतंकी क्यों नहीं है? और ये जुरत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इसराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। और हमास आतंकवादी कैसे हो गया? लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है वो। तो क्या सेकुलरिज्म के बैनर तले तुष्टीकरण की फसल फले फूले? आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण की कहानी, रिश्ता रूहानी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताते हैं गाजा ब्रिगेड के समर्थकों की प्रोफाइल का विश्लेषण। पहला फैक्ट इनका प्रोफाइल मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, इसलिए जरा रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लीजिए। ईरान, पाकिस्तान, लेबनान, अफगानिस्तान जैसे देश खुलकर गाजा के साथ खड़े हैं। ये सब इनमें कॉमन बात यह है कि ये सब इस्लामिक देश है। दूसरा फैक्ट, तालिबान, अलकायदा, बोको हरम जैसे आतंकी संगठन गाजा के साथ है। तीसरा फैक्ट,
यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया का वेट एंड वॉच की पॉलिसी है और यूएई मलेशिया संपन्न इस्लामिक मुल्क माने जाते हैं, कहे जाते हैं। अब चौथा फैक्ट, 57 इस्लामिक देशों में से अब तक किसी ने गाजा के लोगों को शरण नहीं दी है, यानी दरवाजा तक नहीं खोला है। कुल मिलाकर कहे तो सब सिर्फ रूहानी रिश्ता जोड़ रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। पांचवा फैक्ट जो कि आपके समक्ष है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस खुलकर इसराइल के साथ खड़े हैं, यह पांचवा फैक्ट है। बड़ा सवाल यह है, क्या तरक्की पसंद देशों ने गाजा ब्रिगेड से दूरी बनाकर रखी है और उन्हें भी पता है कि ये लोग आतंकी हैं? ये पूरी ब्रिगेड जो है, ये पूरी जमात जो है, वो एक आतंकी है और इसीलिए इनसे डिफरेंशिएट करना जरूरी है और यही कारण है यूएई जैसे संपन्न देश भी दूर हैं, इंडोनेशिया जैसे संपन्न देश, मलेशिया जैसे संपन्न मुल्क दूर है। ये भी सब इस्लामिक राष्ट्र है लेकिन दूर है क्योंकि वो अपनी डेवलपमेंट को नहीं हैम्पर करना चाहते और जो इस्लामिक राष्ट्र साथ भी हैं वो भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये सत्य और तथ्य है।